तो देखिए गाइज, इस ड्रेस को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो ड्रेस है मुझे इंस्टाग्राम पर मेरी एक सब्सक्राइबर ने सेंड किया था, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट में मैं इसको रेडी कर रही हूँ। तो देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। तो देखिए गाइज, मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये शिफोन, क्रिंकल शिफोन है। ओके, ये मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है। ये इसका जो पना है वो 58 का है, तो इसका पना जो है वो ज़्यादा है। ओके, और ये मैंने कॉटन लिया है जो हम लाइनिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये लाइनिंग के लिए मैंने अपने लेंथ के अकॉर्डिंग लिया है। मेरी 42 की लेंथ है मेरे स्कर्ट की। ठीक है, जो मेरा नीचे का घेर है वो वाला। ठीक है, तो इसको मैंने 42 पे इस तरह से फोल्ड कर लिया है, मैंने कोई मार्जिन इसमें नहीं लिया है। ओके, तो देखिए यहाँ से ये फोल्ड है और यहाँ से देखिए ये ओपन है। ठीक है, तो ये इस तरह से देखिए यहाँ से ये डबल है। तो चलिए, इसमें मैंने कोई मार्जिन नहीं लिया है, इसमें मैंने 42 की मेरी लेंथ है तो मैंने 42 ही लिया है। ये मेरे नीचे का घेर है। ओके, तो देखिए यहाँ से हम अपना सबसे पहले अपना वेस्ट राउंड जितना भी है उसका 4 पार्ट लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लगा देंगे मार्जिन के लिए। और यहाँ से देखिए मैं 7 इंच लगा रही हूँ यहाँ से। ये थोड़ा सा मैं इसको फिटिंग में रख रही हूँ, इसमें हम लूजिंग में नहीं रखेंगे क्योंकि हम इसमें अम्ब्रेला घेरे जो है उसको हम लेयर में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अपने हिप का निशान लगाएंगे। आपका जितना भी हिप हो उसका 4th पार्ट निकल कर यहाँ लगा दीजिए और 1 इंच हम इसमें लूजिंग रखेंगे क्योंकि हम यहाँ से ओपन नहीं है ये। ओके, तो हम ये वरना ये फिट हो जाएगा, तो 1 इंच हम इसमें लूजिंग रखेंगे और 1 इंच जो है इसमें मैंने मार्जिन ले लिया है। ठीक है, तो अभी इसको देखिए इस तरह से शेप पट्टी से हम यहाँ से शेप दे देते हैं। इस तरह से हमारा जो है कमर और हिप दोनों है वो अच्छे से फिट बैठेगा। वो जैसे हम 1 पीस पे लगाते हैं वैसे ही लगाया है मैंने। तो अभी देखिए ये जितना हिप का निशान है उसमें हम 4 इंच इस तरह से लगा देंगे और नीचे घेर में लगा देंगे। जितना हमारा हिप में लगाए हैं हमने उसमें मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लगा कर यहाँ लगा दिया है नीचे घेरे में। तो अब इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से शेप पट्टी रखते हुए ही ज्वाइन करना है हमें क्योंकि इसमें हम ज़्यादा घेर नहीं डालेंगे। जितना भी घेर डालेंगे वह हम अपने लेयर जो लगाने वाले हैं उसी में लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम यहाँ से हमारा जो 42 था उसको हम 4 में डिवाइड करेंगे क्योंकि हम 4 लेयर लगाने वाले हैं। आप जितने लेयर इसमें लगाना चाहते हैं उतने हिस्से इसमें निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें 4 लेयर लगा रही हूँ, 4 हिस्से कर रही हूँ मैं इसमें। तो मेरे एक हिस्से में देखिए ये 10.5 इंच पे आ रहा है, तो हम इस तरह से 10.5 इंच पे एक एक निशान लगा देंगे। इसमें मैंने अभी कोई मार्जिन नहीं लिया है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये यहाँ से भी 10.5 इंच पे लगाया है मैंने। ठीक है, तो ये देखिए ये लगा दिया, ये 4 हिस्से हो गए हमारे, ये एक, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो ये 4 हिस्से हो गए। तो ये चौथा हिस्सा जो है इसमें हम ये नहीं लगाएंगे, इसी फैब्रिक को हम लगाएंगे। आप चाहो तो लगा सकते हैं पर मैं नहीं लगाऊंगी। ओके, तो देखिए अभी इसमें क्या करना है हमें ये बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो देखिए गाइस, ये जो पहला वाला हिस्सा है इसमें हमें 1 इंच मार्जिन चाहिए, तो हम 1 इंच नीचे इसमें निशान लगा देते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, तो 1 इंच का मार्जिन मैंने इसमें ले लिया पहले वाले हिस्से के लिए। ठीक है, क्योंकि हम 1/2 इंच जो है इसमें मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 इंच लिया मैंने दूसरे वाले में, यहाँ से मैंने 2 इंच ले लिया। और ये जो तीसरा वाला है इसमें हम 3 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए ये 3 इंच हो गया हमारा। अब चौथा हिस्सा जो है हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट लो जो है अपना मेन फैब्रिक ही लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमें कट कर देना है अभी। ये देखिए ये यहाँ से कट करेंगे और ये साइड का जो है ये भी कट कर लेते हैं अभी। आप लोग ध्यान से देखिएगा गाइस, आप लोगों को ज़रूर ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा तीसरा पीस कट चुका है और ये हमारा दूसरा है, तो यहाँ से भी इसको हम कट कर देते हैं। तो देखिए ये कट गया अभी हमारा।
तो देखिए मैं इसमें नंबर्स भी लगा देती हूँ आप लोगों के लिए। ये हमारा तीसरा है, ये हमारा दूसरा है और ये हमारा पहला है। ठीक है, तीन लेयर हमें ये हमारे हो चुके हैं और जो चौथा है वो हम इसका लगाएंगे। ओके, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। तो चलिए अभी इसको हम ज्वाइन कैसे करेंगे ये बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये जो तीसरा वाला है इसकी साइड की सिलाई हम लगा देते हैं यहाँ से। देखिए इसके साइड की सिलाई लगाएंगे यहाँ से। तो ये देखिए ये जो दूसरा वाला है इसकी साइड की सिलाई लगा देते हैं यहाँ से। मैं अपर पार्ट नहीं बता रही हूँ गाइस, आप लोग जैसे नॉर्मल हम बेसिक हम जो अपर पार्ट लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाया है मैंने। ओके, तो ये देखिए ये हमारा पहला है। तो ये तीन पीस हमारे रेडी हो चुके हैं, अब इसकी हम साइड की सिलाई लगा देते हैं। ओके, तो बेसिक जो अपर पार्ट है वो आप लोग किसी और वीडियो में देख लीजिएगा। जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक है उसमें मैंने लगाया है बेसिक, वैसे ही इसमें लगाया है मैंने। तो देखिए इसकी साइड की मैंने सिलाई लगा दिए हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है हमारा। ओके, तो चलिए अभी इसको हम घेरा बनाना बताती हूँ मैं आप लोगों को। अब इसको साइड में रख देते हैं और इस वाले फैब्रिक को हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेते हैं, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए फोल्ड करते हैं। ये देखिए इस तरह से ये फोर लेयर है और यहाँ से हमारा फोल्ड है। तो सबसे पहले तो हम अपना पहला वाला पीस लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने निशान भी लगा दिया है इसके अंदर, हम ऊपर से ज्वाइन करेंगे वहाँ पर मैंने इसमें निशान लगा दिया है। तो देखिए इतना निशान हमें अभी यहाँ लगाना है, ये जितना भी आ रहा है ये भी हमारा फोर फोल्ड है। ओके, तो देखिए यहाँ से हम इसका मेजरमेंट करते हैं, जैसे हम अम्ब्रेला में फ्रॉक में लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें भी लगाना है। बस ये लेयर में होता है तो लोगों को थोड़ा सा इसको कन्फ्यूजन होता है गाइस। ओके, तो इस तरह से हम इसको गोलाई में लगा देते हैं और उसके बाद जो है ये जितना भी है हमारा इसमें देखते हैं ये आ रहा है या नहीं। तो देखिए ये हमारा हो चुका, अभी थोड़ा सा इसको नीचे ले लेती हूँ मैं, ये तो ये बराबर आ जाएगा अभी। तो बिल्कुल इसी तरह से गोलाई में ही लेना है आप लोगों को भी, तो ये भी परफेक्ट है हमारा। तो अब इसकी लेंथ लगाते हैं गाइस। तो हमारे एक हिस्से में जो है 10.5 इंच था, तो देखिए ये 10.5 इंच है हमारा। 10.5 इंच में हम 4 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। ठीक है, ये 10.5 इंच है और इसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 1 इंच तो हमारे मार्जिन में ही चला जाएगा, ये नीचे से भी 1 इंच जाएगा हमारा। ओके, 1.5 इंच जो है हमारे मार्जिन में जाएगा और बाकी का जो है हमारा एक दूसरे पे हमारे ये जो लेयर रहेंगे ये उसके लिए बाकी का। ठीक है, तो देखिए ये मैं 14.5 इंच पे लगा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, 10.5 इंच का हमारा मेन था, उसमें मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा किया। तो देखिए 14.5 इंच में मैंने इस तरह से इसको गोलाई में लगा दिया। ये पहला वाला हमारा इस तरह से रेडी हो चुका है। ठीक है, अब चलिए दूसरा वाला लगाते हैं इसके ऊपर जो हमने सेकेंड पार्ट कट किए थे ये वाला। तो देखिए ये मैंने निशान ऊपर लगा दिए हैं, यहाँ से हमें इसमें मार्जिन लगाना है। अब देखते हैं ये वाला कितना है, इसका हम मेजरमेंट निकालेंगे, इतना ही हम यहाँ इस घेरे में लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए यहाँ मैंने निशान लगा दिया अभी और इसको अभी हटा देते हैं। और ये जितना है हमने ऊपर का जितना हमने लेंथ लिए हैं, देखिए ये 14.5 इंच, तो यहाँ पर भी हम 14.5 इंच पे ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये 14.5 इंच पे हमने दूसरा वाला पार्ट जो है वो कट कर लिया। ठीक है, तो ये देखिए ये दूसरा पार्ट हमारा 14.5 इंच पे ही लगाया है मैंने। जब ये सिल जाएगा तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा गाइस। ठीक है, इसके अपर पार्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो इसमें देख सकते हैं। ओके, उसमें भी मैंने फुल स्लीव ही रखा है, इसमें भी मैंने फुल स्लीव ही रखा है। ठीक है, तो देखिए ये दो पार्ट हमारे इस तरह से रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला वाला, ये देखिए ये पहला हो गया हमारा इस तरह से। अब इसको इसी के अंदर हम रखेंगे ताकि ये चेंज ना हो जाए, किसी और दूसरे के साथ ये मिक्स ना हो जाए।
तो ये दूसरा वाला देखिए, तो ये दूसरा वाला भी कट गया हमारा। आपको इस तरह से ट्रायंगल में ही लगाकर कट करना होगा गाइस, इसके लिए फैब्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखिए अभी इसमें से हम अपना तीसरा और चौथा पार्ट जो है वो निकालेंगे। तो इसको मैं पिन लगा देती हूँ, एक दूसरे के साथ ये मिक्स ना हो जाए। तो ये दो पार्ट हमारे हो चुके हैं, अब इसको साइड में रख देते हैं। फिर से हम ट्रायंगल में इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। अब हम यहाँ से अपना जो तीसरा है वो लेंगे। देखिए ये तीसरा पार्ट है हमारा, तो यहाँ से रख देते हैं। यहाँ पर भी हम बिल्कुल उसी तरह से निशान लगाएंगे। तो ये जो है आप लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हमने लगा दिया, इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, गोलाई में हम यहाँ से निशान लगाएंगे। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझने की ज़रूरत होती है। तो देखिए ये गोलाई में मैंने लगा दिया अभी। अब ये देखते हैं ये कितना आ रहा है। ये जितना है उतना ही हमें ये चाहिए यहाँ से, ये बहुत ही कम है। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, उसके बाद हम इसमें निशान लगाएंगे। आप लोग भी इसी तरह से करिएगा तो हम आप लोगों का भी ये परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब ये परफेक्ट है, हमें जितना चाहिए ये। तो अब इसको हटा देते हैं। अब इसको भी हम 14.5 इंच पे ही लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो चौथा है उसमें हमें कम लेना है। ओके, तो देखिए इसको 14.5 इंच पे ही हमने तीन लेयर जो काटे हैं वो 14.5 इंच पे ही काटे हैं। आपका जितना भी हिस्सा आता हो, आपके जितने भी लेयर आप लोगों का हिस्से में निकलते हैं उसमें आप 4 इंच जो है एक्स्ट्रा लेकर कट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये तीसरा लेयर है हमारा, इसको कट कर लेते हैं अभी। ये देखिए तीसरा हमारा, तो चलिए इसको कट करते हैं अभी यहाँ से। जो चौथा है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने इसको चौथा वाला इसमें नीचे नहीं लगाया, तो मैं अलग से कट करूँगी उसको। तो ये चौथा वाला हमारा रेडी हो गया। ठीक है, तीसरा वाला सॉरी, तो देखिए ये तीसरा वाला है हमारा। तो अभी देखिए फिर से मैं ट्रायंगल में कर लेती हूँ यहाँ से, और अपना चौथा लेयर जो है वो यहाँ से निकालती हूँ। देखिए फिर से ट्रायंगल में कर दिया मैंने। अब देखिए गाइस इसका जो घेरा है वो मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसको देखिए यहाँ से नीचे से निकालेंगे। तीसरा वाला जो पार्ट है हमारा इसको फिर से फोल्ड कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए मैं इसमें इस तरह से दो पार्ट निकालूंगी क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा घेर चाहिए। आप इसको जितनी बार फोल्ड करेंगे उतने इसमें आपको लेयर लेने होंगे। ओके, तो देखिए मैं इसको ज़्यादा ले रही हूँ। तो देखिए गाइस इसमें हमें 11.5 इंच पे लगाना है, एक ही इंच हमें इसमें मार्जिन लेंगे, 4 इंच मार्जिन हमें इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, 10.5 इंच में हम 1 इंच मार्जिन लेंगे क्योंकि ये हमारा नीचे रहेगा बिल्कुल, तो इसमें हमें 4 इंच की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखिए ये एक साइड का हमारा कट गया है। अब इसी को रखते हुए हम दूसरी साइड का कट कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने घेरा जो है इसमें ज़्यादा रखा है नीचे वाले में। आप इससे ज़्यादा घेरा रखना चाहते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों की विड्थ में कम है फैब्रिक, तो 6 मीटर आप इसमें ले सकते हैं। ये मैंने 4 मीटर लिया है, तो इसमें 4 मीटर में ही मैंने इसको, इसी तरह का फैब्रिक इसमें यूज़ होता है गाइस। तो देखिए इसको हम एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा नीचे वाला बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये देखिए इससे ज़्यादा है ये, तो इसको हम थोड़े से गैदर्स बनाकर डाल देंगे क्योंकि मुझे इसमें नीचे जो है थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था। तो ये जो बाकी बचा हुआ फैब्रिक है इसमें हम अपर पार्ट और अपनी स्लीव कट कर लेंगे। जो बेसिक है वही रखा है मैंने, इसमें कुछ खास नहीं रखा है। ठीक है, तो देखिए गाइस इस तरह से मैंने इसको तीनों को ज्वाइन कर लिया है। तो मैं देखिए खोल कर बता देती हूँ, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो देखिए ये पहला वाला एक दूसरे को ज्वाइन कर दिया, सिलाई लगा दिया है मैंने। ये दूसरा वाला ऊपर से मैंने सिलाई लगा दिया है इसके ऊपर रखते हुए। ठीक है, और ये देखिए ये तीसरा वाला, ये देखिए कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये तीन भाग हमारे ज्वाइन हो चुके हैं। अब देखिए इसको मैं ज्वाइन करना कैसे बता देती हूँ। यहाँ से इसको पहला वाला ये ऐसे लेंगे इसको,
और यहाँ से देखिए इसको ऊपर कर देंगे यहाँ से, ये देखिए इस तरह से। और ये जो दूसरा वाला है इसके साथ हम ज्वाइन करके पूरे गोलाई में सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से लगाएंगे हम, पूरे राउंड में इसको सिल देंगे। और ये जो चौथा वाला है, तीसरा वाला है, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, पूरे राउंड में सिल देंगे। तो चलिए सिल कर दिखाती हूँ। तो देखिए एक दूसरे को मैंने, ये पहला है हमारा, इस तरह से ज्वाइन कर दिया है, ये दूसरा वाला, और इसके नीचे जो है वो हमारा तीसरा वाला है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ज्वाइन कर दिया है मैंने। ये तीन हमारे लेयर जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब देखिए जो नीचे है हमारा, ये हम इसको जोड़ देंगे। हमारा जो मेन फैब्रिक है इसमें मैंने लाइनिंग नहीं रखा है, आप चाहो तो रख सकते हैं, पर मैंने नहीं रखा है, थोड़ा हैवी हो जाएगा ये, इसलिए मैंने इसको नहीं रखा है। ओके, तो इसको ज्वाइन कर देती हूँ मैं, फिर आप लोगों के साथ जो है शेयर करती हूँ, ठीक है। तो चलिए ज्वाइन कर देती हूँ मैं। तो देखिए ये हमारे इस तरह से ज्वाइन हो चुके हैं। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है समझ में आ गई होगी। मैं इसको अपर पार्ट ज्वाइन कर देती हूँ, फिर आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर मैंने ब्लैक पाइपिंग इसमें लगा दिया है, आप चाहो तो इसको बीडिंग कर सकते हैं या फिर सिलाई लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो देखिए इसका फाइनल लुक है। ये लॉन्ग स्लीव मैंने रखा है और जो बेसिक हमारा बॉडी होती है वही मैंने इसमें लगाया है, जैसे हमने अम्ब्रेला फ्रॉक में लगाया है। तो वीडियो पसंद आई है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। ओके, तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये जो पिक्चर है वो मुझे इंस्टाग्राम पर मेरी एक सब्सक्राइबर ने सेंड किया था, तो ये मुझे उनकी रिक्वेस्ट पे बनाना था। तो देख लीजिए आप लोगों को ये पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, तो मिलती हूँ गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।